हेलो बच्चों, मैं हूँ सविता, आपकी हिंदी टीचर। मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को छुट्टी लग के बहुत दिन हुए हैं, आप लोगों को स्कूल की याद तो आती होगी। आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल, आप सबको याद कर रहे हो? कर रहे हो ना? अच्छा, तो ठीक है, इसी के लिए हम लोग आज पहली कक्षा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का, जिसका नाम है मेरी पाठशाला। तो पाठशाला का मतलब क्या होता है? पाठशाला का मतलब होता है अपना स्कूल। तो चलिए हम लोग अपने स्कूल को याद करते हैं इसी पाठ के द्वारा। चलिए मेरे साथ। तो बच्चों, मेरी पाठशाला में क्या क्या आता है यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे। जब भी हम मेरी पाठशाला पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले अपनी पाठशाला का नाम पता चाहिए। तो आपकी पाठशाला का नाम है फ्रांसिलियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये है आपके पाठशाला का नाम, आपने ये नाम अच्छे से याद करना है। दूसरा है मेरा नाम। मेरा नाम मतलब आपका नाम, आपको अपना नाम भी अच्छे से याद करना है। आपका खुद का नाम, उसके बाद आपके पापा का नाम, और उसके बाद आपका लास्ट नेम जो रहता है आखिरी वाला नाम, वो आपको याद करना है। उसका अर्थ भी आप लोगों को पता चाहिए कि आपके नाम का अर्थ क्या होता है। ये तो हो गया आपकी खुद की पहचान और पाठशाला। अब देखते हैं पाठशाला क्या होता है। चित्रों के द्वारा हम अपनी पाठशाला देखेंगे। बच्चों, ये है हमारे स्कूल का इमारत। पाठशाला मतलब सिर्फ इमारत होता है क्या स्कूल का? नहीं, उसमें बहुत सारे घटक भी शामिल होते, जैसे हमारे स्कूल का मैदान, जैसे हमारा बगीचा, जैसे हमारे टीचर्स, हमारा क्लासरूम, ये सारी चीजें मिलकर हमारी पाठशाला बनती है। चलिए हम चित्रों के द्वारा हमारी पाठशाला को याद करते हैं। ये है हमारे स्कूल का इमारत, स्कूल का बिल्डिंग, हमारी पाठशाला। उसके आगे हमारी पाठशाला में क्या है? ये है सब बच्चे जो जैसे यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहे हैं, सब लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी हम लोग स्कूल में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं बच्चों? भगवान की प्रार्थना कर। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, तब हम लोगों को अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और यहीं पर ये बच्चे करते हैं। हम लोग भी अपनी पाठशाला में ये सब करते हैं ना रोज, उसी तरह से ये बच्चे भी करते हैं, ये सब हमारी पाठशाला में होता है। अभी प्रार्थना के बाद हम आगे क्या करते हैं? जैसे ही हमारा प्रार्थना खत्म होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? हमारे क्लासरूम में। तो ये है आपकी क्लासरूम। क्लासरूम में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले होता है आपका ब्लैक बोर्ड, बाद में होते हैं अपने मेज मीन्स बेंचेस, आपके चेयर्स, फिर कुछ फलक भी अपने दीवारों पर लगे हुए होते हैं। ऐसा अपना क्लासरूम होता है। तो ये क्लासरूम है, अभी खाली क्लासरूम है। यहाँ पर टीचर है क्या? नहीं। बच्चे है क्या? नहीं। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्लास में आने के बाद आपका क्लासरूम कैसे दिखेगा। ये है आपका क्लासरूम। जब भी आप क्लास में आएंगे तो इस तरह से आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हो और आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं। जब भी आपके टीचर पढ़ाते हैं तो आप लोग क्या करते हो? मन लगाकर उनकी बातें सुनते हो, और उन्होंने जो आपको सवाल पूछे उसके जवाब देने के लिए अपना हाथ भी उठाते हो। क्लास में बातें करनी चाहिए क्या? नहीं। टीचर जब आपको सवाल पूछेंगे उसका आपको जवाब देना है, तो एक साथ सब चिल्लाना चाहिए क्या? नहीं। एक एक करके आपको इस तरह से हाथ उठा के टीचर के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये भी हमने देख लिया। अब आगे के चित्र में देखते हैं पाठशाला में क्या होता है। ये हुआ है आपके पाठशाला का मैदान। पाठशाला के मैदान में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पाठशाला के मैदान में छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे। हम मैदान पर एक ही प्रकार का खेल खेलते हुए बच्चे देख रहे हैं क्या? नहीं। ये बच्चे जो है बॉल खेल रहे हैं, ये जो है रिंग खेल रहे हैं, यहाँ पर मौज ले रहे हैं खेल का, यहाँ पर कुछ बैठ के बातें कर रहे हैं। इस तरह से जब भी हमारा खेल का तासिका होती है, हम लोग हमारे खेल के मैदान में आते हैं और अलग अलग प्रकार के खेल भी हमारे पाठशाला में खेलते हैं। और देखते हैं क्या करते हैं हम। पहले हमने देखा छोटे बच्चे खेल रहे थे। पाठशाला में सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं क्या? नहीं। पाठशाला में छोटे बच्चे होते हैं और बड़े भी बच्चे होते हैं। तो बड़े बच्चे भी खेल के मैदान पर क्या करते हैं? उनका खेल खेलते हैं। ये खेल का नाम क्या है आपको पता है बच्चों? इस खेल का नाम है फुटबॉल, जो कि अपने पैरों की मदद से खेला जाता है। तो ये बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं यहाँ पर?
फुटबॉल। और देखते हैं आगे चित्र में क्या दिखाई देगा अपने को। हमारी पाठशाला में क्या है और छोटा सा एक बगीचा भी है। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है खेल खेलते हैं। देखिए ये घोड़े पर बैठा हुआ है, ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर एक खेल रहा है। सब बच्चे खेल के हमारे तासिका में बाहर आकर खेल खेलते हैं। आगे है हमारे स्कूल का मैदान, जो मैदान पे हम लोग क्या करते हैं, कसरत करते हैं, कवायद करते हैं। सुबह उठकर इस तरह की कसरत करना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। उससे क्या होता है बच्चों, हमारा शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। हमें दिन भर काम करने से भी थकान महसूस नहीं होती, इसलिए सुबह उठकर कसरत करना जरूरी है, जो कि हमें हमारी पाठशाला में सिखाया जाता है। देखिए ये बच्चे किस तरह से कसरत कर रहे हैं, और भी बच्चे देखेंगे। देखिए ये है कसरत के अलग अलग प्रकार। इस प्रकार से हम सुबह उठकर कसरत कर सकते हैं और खुद को क्या बना सकते हैं, अच्छे से तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा बना सकते हैं। इसलिए इस तरह की कसरत करना भी जरूरी है, ये भी हमें पाठशाला में सिखाते हैं। देखते हैं और क्या सिखाते हैं पाठशाला में। तो ये क्या है, ये है हमारे पाठशाला का ग्रंथालय। ग्रंथालय का मतलब होता है वहाँ पर हर एक प्रकार के पुस्तक आपको मिलते हैं, जो कि आपके पढ़ाई के लिए उपयुक्त होती है। आपको जो भी पुस्तक चाहिए आप वहाँ जाकर पुस्तक लेकर अपने अपनी पढ़ाई खुद से कर सकते हो। तो ये भी हमारी पाठशाला का बड़े ही महत्व का हिस्सा है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के बुक में से अलग अलग प्रकार का ज्ञान। इसलिए हमारे पाठशाला का महत्व का हिस्सा है हमारा ग्रंथालय। आगे देखते हैं और क्या है पाठशाला में। अभी सबसे आखिरी वाला हिस्सा है हमारी पाठशाला का, ये है हमारी स्कूल बस। स्कूल बस आपको स्कूल में लेकर आने का काम करती है, और वक्त पर स्कूल छूटने के बाद आपको घर ले जाने का काम करती है। अगर ये स्कूल बस नहीं है तो हम लोग वक्त पर स्कूल में आएंगे क्या, नहीं आ सकेंगे। इसीलिए स्कूल बस जो है ये अपने स्कूल का एक अहम हिस्सा है। और देखते हैं स्कूल बस में बैठते समय कैसा बैठना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए। जब भी हम स्कूल बस में बैठते हैं हमें एक लाइन में आकर स्कूल बस में चढ़ना चाहिए, स्कूल बस में बैठना चाहिए। और जब भी हम स्कूल बस से उतरेंगे हमें स्कूल बस में से इसी तरह से लाइन बनाकर उतरना चाहिए, जिसकी वजह से आजू बाजू के लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह से आप लोग हमेशा याद रखना है कि आपको स्कूल बस में चढ़ते समय और उतरते समय क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए और सबसे आखिरी वाला चित्र है हमारा कि स्कूल बस में बैठकर आप लोग आपके घर पर जा रहे हो, लेकिन स्कूल बस में बैठते समय मस्ती करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। खड़े रहकर डांस करना चाहिए क्या, नहीं। खिड़की के बाहर हाथ निकालना चाहिए क्या, नहीं। ड्राइवर अंकल को परेशान करना चाहिए क्या, नहीं। ये सारी बातें आप लोगों को याद करना है और स्कूल बस में बैठकर आराम से अपने घर को जाना है। तो ये हुआ हमारे पाठशाला का नित्य का क्रम, जो कि हम सुबह से हमारा शुरू हो जाता है पाठशाला। तो जब तक हमारा पाठशाला चलता है हम इसी तरह से एक एक उपक्रम करते हैं। तो ये हुई हमारी पाठशाला। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।